खिला जो गुलशन सा जीवन मेरा बाबा वो उपकार तुम्हारा था। खिला जो गुलशन सा जीवन मेरा बाबा वो उपकार तुम्हारा था। भंवर की कश्ती को जो मिला किनारा तब वो इशारा साईं तुम्हारा था। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साई के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साई के महाभक्त माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा को न जानता हो ऐसा शायद ही कोई साई भक्त होगा। मैंने 2 साल पहले ही उन पर एक डिटेल वीडियो किया था जिसमें आज शिरडी में उनका घर कैसा है वो भी आपको दिखाया था। श्यामा और बाबा का एक अद्भुत नाता था। श्यामा बड़ी ही अधिकार वाणी से बाबा से बात कर पाते थे। आज मैं आपको इन्हीं साई भक्त श्यामा के जीवन का साई लीला की वानगी देने वाला सच्चा, रोचक और लगभग अनसुना रह गया ऐसा एक अनुभव सुनाता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। अपना जीवन पूर्ण रूप से बाबा के चरणों में समर्पित करने से पहले श्यामा कुछ नौकरियां किया करते थे। द्वारका माई से जुड़ी छोटे बच्चों की पाठशाला में वे सहायक अध्यापक थे। इसके बाद उन्होंने शिरडी से लगभग 20 मील दूर अस्तगांव नाम के गांव में पाटिल का पद संभाला। साथ ही साथ उन्होंने आयुर्वेद भी सीखा और वे जड़ी बूटी का उपचार बीमार तथा पीड़ित लोगों को देते थे। उस समय वे बाबा के बहुत करीब थे और उनके ऋणानुबंध का नाता कायम हो गया था। श्यामा अपनी आयुर्वेदिक कला के लिए बहुत मशहूर थे और मुंबई के कई जाने माने लोग उनकी सलाह लेने आते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे आयुर्वेद सीखने कभी किसी विद्यालय में नहीं गए थे। उन्होंने कई पुस्तकें पढ़कर स्वयं ही ज्ञान हासिल किया। इस ज्ञान से वे उन रोगियों का इलाज करते जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जब भी वे दवा या उपचार देते तो उसमें बाबा की जरा सी उदी मिलाना कभी न भूलते। बाबा का नाम लेने के बाद ही वे उपचार आरंभ करते, फिर वे कैसे असफल हो सकते थे। शिरडी में श्यामा का घर था और वे बाबा की महासमाधि तक यही रहे। श्यामा निमोन गांव में देशपांडे वतनदार यानी टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी थे और उनकी कई एकड़ जमीन थी। पर श्यामा ने अपनी आमदनी खो दी क्योंकि वे सदा ही बाबा के साथ रहते और आयुर्वेद का अभ्यास करने से उन्हें कुछ भी समय नहीं मिलता था। बाबा हर दिन बहुत से पैसे बांटते थे। कुछ भक्त तो बाबा से अपनी आमदनी ही पाते थे। प्रतिदिन बाबा 200-400 रुपये यूं ही बांट देते थे। लेकिन श्यामा को बाबा से कभी कोई पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन श्यामा बोले, देवा, लोग कहते हैं कि आप कृपालु हैं, आप ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि जो भक्तों को चाहिए आप उन्हें वो देते हैं। किसी को तो आप पति या पत्नी देते हैं, किसी को संतान और कई औरों को आप पैसे और संपत्ति देते हैं। मैं तो सदा ही आपके चरणों में रहता हूँ, फिर भी आप मुझे एक पाई भी नहीं देते। मुझे आपसे तंबाकू खरीदने तक के पैसे नहीं मिलते, ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से आप जैसा कंजूस इस दुनिया में नहीं है देवा। आप एक फटा कपड़े का टुकड़ा अपने सिर पर बांधते हैं, द्वारका माई में बैठकर चिलम पीते हैं और फिर गांव में घूमकर भिक्षा मांगते और उसे ग्रहण करते हैं, फिर आप मुझे कैसे कुछ दे सकते हैं? बाबा इस क्रोध की बौछार के बीच शांत थे। फिर वे बोले, श्यामा, पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा धैर्य तो बहुत ही विरला है। सांसारिक दृष्टि से श्यामा बहुत गरीब थे, परंतु बाबा ने उन्हें आध्यात्मिक तोहफे दिए जो बहुमूल्य थे। बाबा उन्हें अक्सर धार्मिक पुस्तकें, पोथी दिया करते और श्यामा उन्हें बार बार पूरे जोश के साथ पढ़ते। इससे उन्होंने अच्छा आध्यात्मिक वैभव अर्जित किया था। दूसरा आध्यात्मिक तोहफा जो बाबा ने श्यामा को दिया वो ये था कि बाबा श्यामा को तीर्थ यात्रा पर भेजा करते थे। श्यामा ने बाबा के आदेश और बाबा के खर्चे से काशी, चारधाम और जगन्नाथपुरी जैसे भारतवर्ष के कई पावन स्थान देख लिए थे। उन दिनों हर रोज बाबा को कई सारे पत्र मिलते थे। श्यामा उन्हें बाबा को पढ़कर सुनाते और बाबा की आज्ञा के अनुसार उनका उत्तर देते थे। यदि किसी भक्त ने कोई पैसे भेजे होते तो वे डाकघर से जाकर वे पैसे ले आते और बाबा को दे देते। एक बार एक भक्त ने 2 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा तो श्यामा ने जाकर डाकघर से वो ले लिया। वापस आते वक्त
उन्होंने बाबा को वो 2 रुपये लौटाने का इरादा बदल दिया। उन्होंने द्वारका माई में वो पैसे छिपा दिए। बड़े दरवाजे वाले कमरे में जहां रथ रखा जाता था, वहां दरवाजे के ऊपर दीवार के एक छेद में उन्होंने वो पैसे रख दिए। सर्वव्यापी बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। श्यामा ने सोचा, देवा को ये कैसे पता चलेगा। फिर विपत्ति आई। एक दिन श्यामा के घर में चोरी हो गई और चोर ने उनके 250 रुपये चुरा लिए। उन्होंने वो पैसे हर जगह ढूंढे, पुलिस को इत्तला की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे और चोर दोनों का कोई नामो निशान ही नहीं था। फिर निराश स्थिति में वे बाबा के पास गए और बोले, बाबा, मेरे घर में चोरी हो गई है और चोर 250 रुपये चुरा कर ले गया है। क्या आपको ये अच्छा लगता है कि मेरे जैसे गरीब आदमी के इतने सारे पैसे खो गए? अरे देवा, अपनी दुख की गाथा मैं आपके अलावा किसको सुना सकता हूँ। बाबा ने उनकी सारी बात शांति से सुनी और बोले, अरे श्यामा, क्या बात है। चूंकि तुम्हारे घर में चोरी हुई और तुम्हारे पैसे खो गए, तो तुम अपनी शिकायत लेकर मेरे पास आए हो। पर जब मेरे 2 रुपये चोरी हो गए थे, तो मैं किससे शिकायत करता? श्यामा बाबा के शब्दों का अर्थ समझ गए, परंतु आगे बोलते रहे, अरे देवा, तो ये चोरी आपने करवाई। आप महान हैं, क्योंकि आपके 2 रुपये चोरी होने पर आपने मुझ जैसे गरीब के 250 रुपये चोरी करवाए। ये कैसी सजा है? मैंने 250 रुपये खो दिए, जबकि आपने तो केवल 2 रुपये खोए। ये कैसा न्याय है? इस पर बाबा का जवाब था, तुम जैसे गरीब व्यक्ति के लिए जो मूल्य 250 रुपये का है, वही मूल्य मुझ जैसे फकीर के लिए 2 रुपये का है। साल 1940 के साई लीला मैगजीन के 5वें अंक में साई भक्त श्री जी जी नरखे ने श्यामा और बाबा के बीच हुए इस रोचक प्रसंग के बारे में विस्तार से लिखा था। साई भक्त श्यामा का घर शिरडी में आज कैसा है, ये देखने के लिए और उनका बाबा के साथ रहा अनूठा ऋणानुबंध समझने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साई दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी saikedewane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।